بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا إنما الناس كالإبل المية لا تكاد تجد فيها راحلة IPS كنيغراني على जनाब इलियास साहब और मुशरिफ आम शेख रफ़ीक मदनी साहब और तमाम मसूलीन ज़िम्मेदारान मेहमानान किराम और आज जिनके लिए बज़्म सजाई गई है हुफ्फाज़ किताबिल्लाह और उनके वालिदैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैंने आपके सामने कुछ आयात कुछ अहादीस को पढ़कर पेश किया है। इन आयात और अहादीस के तर्जमे से इंशाअल्लाह जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ वो चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले अल्लाह ताला का इरशाद है الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب। ईमान वालों का हाल ये है अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। हकीकत यही है कि दिलों को हकीकी इत्मीनान हकीकी सुकून चैन राहत अगर कहीं से मयस्सर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद से है। फिर उसके बाद क़ुरान की फजीलत ने मैंने आयत पेश की इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही या अक्वम। ये जो कुरान मजीद जिस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है वो सबसे सीधा रास्ता है। फिर मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को उतारने वाले हम हैं, कुरान मजीद के नाजिल करने वाले हम हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन शख्स कुरान सीखने वाले और कुरान सिखाने वाले हैं। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर कोई दो कैटेगरीज हैं तो वो हैं कुरान सीखने वाले और कुरान सिखाने वाले। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल की एक और हदीस रखी, जरा गौर करें इन्नमा नासु कल इबिल मिया ला तकाद तजिद फीहा राहिला। बहुत अजीम हदीस है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमा नासु कल इबिल मिया, लोगों की मिसाल ऊंटों के रेवड़ में 100 ऊंटों की तरह है जिसमें हकीकतन देखा जाए तो इस 100 ऊंटों की भीड़ में सवारी के काबिल जिस पर आप राइड कर सकें सवारी कर सकें इन 100 ऊंटों में बड़ी मुश्किल से एक पैदा होता है। मौज़े सामईन, आज हकीकत में देखा जाए ये जो 40 हुफाज हैं ये वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो ऊंटों के रेवड़ की मिसाल नहीं है जो 100 हैं, बल्कि उनमें से जो 100 हैं उनमें से एक एक का इंतखाब अगर हम करें तो उनमें से इनका शुमार है। ये हमारे हुफाज हैं जिनकी तकरीम के लिए जिनकी इज्जत अफजाई के लिए जिनकी हिम्मत अफजाई के लिए आज हम लोग जमा हैं। और याद रखें कुरान मजीद की फजीलत इसकी अहमियत और इसकी हक्कानियत
आपने इससे पहले की तकारीर में भी सुना और बेहतरीन दलाइल पेश किए गए। कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब हर्फ हर्फ पर है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ, और ये नेकियाँ 10 गुना जायद की जाएंगी और अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना सवाब दे। और ये कुरान मजीद ऐसी चीज़ है, इसकी निस्बत जिस चीज़ से हो गई वो बाबरकत हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाजिल किया है, इस कुरान के नाजिल करने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन है। जिस ज़ात पर ये नाजिल किया गया वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिस उम्मत पर नाजिल किया गया ये खैर उम्मत है, जिस फरिश्ते की विसातत से मदद से इसको नाजिल किया गया वो तमाम फरिश्तों के सरदार बन गए, जिस महीने में इसको नाजिल किया गया वो तमाम महीनों का सरदार कहलाया रमज़ानुल मुबारक, और जिस दिन इसको नाजिल किया गया उसे लैलतुल कद्र के नाम से हम याद करते हैं जो हजार महीनों से बेहतर है। और जिन सहाबाए किराम ने इसको अपने सीनों में उतारा, ये ऐसी जमात है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक ऐसी जमात दोबारा नहीं आ सकती, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कुरान की अजमत हैबत और फजीलत क्या है। और हाफिज़ कुरान जब अपने उस्ताद को कुरान सुनाता है तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हर साल जिब्रील अलैहि सलाम को आप मुकम्मल कुरान सुनाया करते थे, और जिस साल आपकी वफात हुई उस साल आपने 2 दफ़े कुरान मजीद सुनाया। हाफिज़ कुरान जब अपने उस्ताद को कुरान सुनाते हैं ये वही अमल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अमीन के साथ था। मौज़ सामाइन, जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो हमें ये आदाब सिखाए गए, हम दुआइया कलिमात में क्या कहते हैं, जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुआ देते हैं कि ऐ अल्लाह इस बच्चे को वालिदैन के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के लिए मुबारक बना दे। तो मैं यहाँ पर मुबारक का जो वर्ड है इस वर्ड पर कुछ तफसील से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। मुबारक यानी बरकत, ये जो बरकत है ये अल्लाह की ऐसी फौज है, ऐसी लश्कर है जो आपको नजर नहीं आएगी। अगर ये बरकत हमारे इल्म में आ जाए तो आप उम्मत को फायदा पहुंचाएंगे, अगर ये बरकत हमारी उम्र में आ जाए तो कम उम्र में आप उम्मत को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, अगर ये बरकत हमारे वक्त में आ जाए तो कम वक्त में आप बड़े कारनामे अंजाम देंगे, अगर ये बरकत हमारे सीनों में उतर जाए, दिलों में उतर जाए तो हम सआदत की नेमत से मालामाल होंगे, अगर ये बरकत हमारी औलाद में उतर जाए तो मुबारक बन जाएंगे। इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला इन हुफ्फाज़ किराम को खुसूसन और हमारे तमाम नौनहालान उम्मत को उमूमन मुबारक बनाए, और उम्मत की क़ियादत, उम्मत की ज़िम्मेदारी, हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं आगे चलकर इस महाज को संभालने वाले बनाए, और हमारी ज़िंदगी में हम हमारे दूसरी सफ, तीसरी सफ, बल्कि उसके बाद के सफ भी तैयार करें और इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।